एक MBBS खूबसूरत महिला डॉक्टर 26 वर्षीय उम्र दिन में अपने कमरे में जाती है कि जहां पेशेंट देखने के बाद वो आराम करती थी। उसके बाद वो प्यून को बुलाती है, प्यून और सफाई कर्मी दोनों एक था। वो आता है, कहता है मैडम आदेश, तो कहती है आज कोई आदेश नहीं, मेरे करीब आओ। वो समझ नहीं पाता है प्यून आज मैडम को हो क्या गया है। कहता मैडम मैं समझा नहीं, कहीं तुम कभी नहीं समझोगे। उसके करीब आती हैं डॉक्टर साहिबा, उसकी आंखों में आंखें डालती हैं और कहती हैं पागल तुम क्यों नहीं समझता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, 6 महीने से मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। वो सोच नहीं पाता सफाई कर्मी अब क्या करे, वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी बड़ी डॉक्टर हमसे ये कह सकती है। वो सोच ही रहा था कि मैडम तपाक से बोलती हैं कि इसका जवाब हमें 2 दिन के अंदर चाहिए, तुम जाओ। वो आंखें नीची करता है और धीरे धीरे चला जाता है। मित्रों नमस्कार, सादर प्रणाम, मैं दिनेश पाठक, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। आज बहुत मार्मिक और संवेदनशील कहानी है, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। मित्रों ये कहानी है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक ज़िला है ओंकारा। वहाँ के प्राइवेट एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर आती है, 2-3 दिन पेशेंट को देखती हैं। उसके बाद उनको एक दिन चाय की तलब लगती है, बेल बजाती हैं। इतने में एक आदमी आता है, खूबसूरत हैंडसम, टाई लगाए, परफ्यूम से एकदम गमक उठता है कमरा। वो कहती हैं कि अभी कुछ देर बाद हम पेशेंट देखेंगे, अभी चाय पीना है। वो कहता है कि मैडम जो आपने बेल बजाया इसीलिए मैं आया हूँ, आपकी चाय के लिए ही आया हूँ, मैं यहाँ का सफाई कर्मी प्यून दोनों हूँ, आप बता देश कीजिए। मैडम सोचती अरे ये तो इतना खूबसूरत हैंडसम ये प्यून कैसे हो सकता है, सफाई कर्मी कैसे हो सकता है, बहुत परेशान हो गई। उसको देखती हैं बड़े ध्यान से, उसके बाद कहती हैं अच्छा मेरे लिए चाय ले आओ। वो चाय लेकर आता है, मैडम 2 मिनट सोचने के बाद, चूँकि पेशेंट ज़्यादा थे, पेशेंट को देखने लगती हैं। उसके बाद ये सिलसिला 2-3 दिन चलता है। एक दिन उसको बुलाती है, कहती और कहाँ काम करते हो, कहीं मैडम मैं आपके साथ 3 डॉक्टर और हैं, सबके यहाँ काम करता हूँ, और कोई भी आदेश हो मेरे लिए बताया कीजिए। तो कही ठीक है मैं बताऊँगा। दूसरे दिन मैडम आती हैं, देखती हैं वो प्यूँ बड़ी शिद्दत से बड़ी लगन से उनके कमरे की सफाई कर रहा था, कपड़ा लेकर उनकी मेज को, उनकी चेयर को, उनकी जो अलमारी थी, जितने वहाँ पे और भी इक्विपमेंट थे, सबको पूछ रहा था। ये नहीं सोच रहा था कि मैं कितना खूबसूरत हैंडसम हूँ, कहीं से भी घमंड नहीं, इतनी शालीनता। मैडम आती है, उसको देखती है, देखती रह जाती है। उसके बाद टाइम हो जाता है, पेशेंट की शुरुआत होती है, पेशेंट देखना मैडम शुरू करती हैं। उसके बाद मैडम उससे इम्प्रेस हो जाती हैं और डेली ये सिलसिला उसको 5-6 बार बुलाती हैं, कभी चाय के बहाने, किसी और काम के बहाने, कोई सामान लाने के बहाने वो आता है। मैडम उसको देखती हैं, उसका स्वभाव इतना था अच्छा था, शर्मीला चेहरा, सर नीचे किए खड़ा हो जाता था, कभी मैडम को साहिबा, कभी मैडम, कभी मालकिन, कुछ भी करके बुलाता था। लेकिन यह मैडम कभी उसको टोकती नहीं थी, उनको बड़ा अच्छा लगने लगता था। धीरे 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 करके और बात आगे बढ़ती है। मैडम तो पहले से प्रभावित थी ही, एक दिन उससे कहती हैं अच्छा एक बात, एक काम करो, मेरे पास आओ, अपना मोबाइल नंबर हमको दे दो। वो कहता है मैडम मेरा मोबाइल नंबर क्या करेंगे आप लेकर, कहीं नहीं जैसे कोई ज़रूरत पड़ जाती है अटेंडम हमको, तो तुम्हारा मोबाइल नंबर मेरे पास रहना चाहिए। वो कहता है ठीक है मैडम आप मोबाइल नंबर ले लीजिए। वो भी अपने दिमाग में सोचता है डॉक्टर हैं, कभी हो सकता है काम ही लगे, और इसलिए मैडम ने मोबाइल नंबर लिया है। और चूंकि मेरा काम है, सबसे ज़्यादा मैडम उसको बुलाती थी, सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास काम करता था, बाकी 2 डॉक्टरों के पास तो कम। लेकिन वो अपने दिमाग में सोचता था कि मेरा ये रूटीन वर्क है, सामान्य प्रक्रिया है, कोई ज़्यादा काम लेता है, कोई कम काम लेता है। उसके मन में कहीं से भी कोई ऐसी बात मैडम के प्रति नहीं थी, बस अगाध श्रद्धा थी। एक डॉक्टर और एक सफाई कर्मी का जो संबंध होता है बस उतना सा था। मैडम मोबाइल नंबर ले जाती हैं, शाम को उसको मोबाइल मिलाती हैं, उससे बात करती हैं, हाल चाल पूछती हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं,
कैसे क्या काम करते हो, सब कुछ उससे पूछती हैं। चूँकि वो भी नया लड़का था, सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता था, अपना जो स्टेटस लगाता था तो मैडम उस पर कमेंट करती थी, उसको लाइक करती थी और उसी तरह का स्टेटस खुद भी वो लगाने लगी। दूसरे दिन मैडम आती हैं, कहती हैं मैंने तुम्हारे स्टेटस पे लाइक किया और आपने कोई भी उसका रिप्लाई नहीं दिया। तो कहता है मैडम कहाँ आप कहाँ मैं आपके स्टेटस का रिप्लाई कैसे दे सकता हूँ, कहीं नहीं तुम दो हमको अच्छा लगता है, तो वो भी रिप्लाई देने लगता है। दोनों के बीच में बात आगे बढ़ती है, मैडम के स्टेटस को रिप्लाई देता था, उसके स्टेटस को मैडम रिप्लाई देती थी, दोनों के बीच में चैट शुरू हो जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। थोड़ा पढ़ा लिखा था लेकिन फिर भी पवित्रता थी उस सफाई कर्मी की कि मन में मैडम के प्रति किसी भी तरह का कोई पाप नहीं था। मोबाइल से बातें करते करते कुछ दिन और बीतता है, मैडम उससे प्यार कर बैठती है। वही होता है मित्रों, प्यार अंधा होता है, न जाति देखता है, न पाप देखता है, न धर्म देखता है, न ऊँच देखता है, न नीच देखता है। प्यार तो इतना पवित्र है, सिर्फ प्यार ही होता है, उसका कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो किसी से भी हो सकता है। मैडम को उस प्यून से प्यार हो गया। उसके बाद अगले दिन मैडम करती क्या है कि पेशेंट देखने के बाद जो उनका पर्सनल रूम था जिसमें आराम करने के लिए जाती थी उसमें जाती हैं, उसके बाद उसको फ़ोन करती हैं, मोबाइल नंबर तो उसके पास था ही, शहजाद को फ़ोन करती हैं, उसका नाम शहजाद था, कि मेरे पास आओ। शहजाद जाता है तो देखता है कि मैडम अपना कोट उतारे थी और सूट में थी, सूट में बड़ी अच्छी लग रही थी, संज संवर के वो बैठी थी। शहजाद को मैडम बुलाती हैं, कहती हैं कि आज हम तुम्हें कुछ लाने के लिए नहीं बुलाए, हमें बात करना है। कहें मैडम बताइए। वो कहती हैं कि इतने भोले हो, इतना दिन से तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमारे व्यवहार से तुम्हें कुछ पता नहीं लग रहा है। कहीं नहीं मैडम, मैं तो कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ, आप डॉक्टर हैं, मैं आपका एक नौकर हूँ, सफाई कर्मी हूँ, आपकी सेवा करना मेरा धर्म है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। कहीं नरे पागल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ। शहजाद के ज़मीन खिसक जाती है उसके पैर के नीचे से, सोच नहीं पाता है अरे इतनी बड़ी डॉक्टर ये क्या बोल रही है। वो कहती सच शहजादे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, बहुत से मैंने प्लान बना रखे हैं, हमें दो दिन का तुम्हारे पास समय है, दो दिन के बाद हमको बताओ कि अंदर तुम बताओ, तुम जो मैंने आज तुम्हारे सामने तुमको प्रपोज किया है तुम क्या सोचते हो। शहजाद कुछ बोलता नहीं, निगाहें नीची कर लेता है, धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है। उसके बाद दो दिन तक वो नहीं आता है, दो दिन तक नहीं आता है तो तीसरे दिन मैडम फ़ोन करती हैं, शहजाद आखिर तुम क्यों नहीं आ रहे हो। तो कहा कि मैडम ऐसे कुछ तबीयत मेरी ख़राब हो गई। तो कहीं तबीयत वहाँ से ठीक होगा, मैं किस लिए बैठी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, आओ मैं दवा देती हूँ, आओ। तीसरे दिन वो आता है, फिर मैडम दिन में उसको कमरे में बुलाती हैं, कहती क्या सोचा तुमने। वो कहा मैडम मेरी कोई तबीयत नहीं ख़राब हुई है, मैं दो दिन से सो नहीं पाया हूँ, जो आपने बोले हैं वो शब्द मेरे कानों में गूंजा करते हैं, हमें सोने नहीं देते। मैडम एक बात बताऊँ। तो कहती हाँ बोलो, बेहिचक बोलो। तो आता है और डॉक्टर मैडम का हाथ पकड़ लेता है, उसके बाद कहता मैडम मैं भी आपसे प्यार करने लगा हूँ। मैडम को बस यही चाहिए था। मैडम और शहजादे एक दूसरे को बाहों में भर लेते हैं। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो जाता है, ये पूरा हॉस्पिटल में शोर हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैडम और शहजादे की जो है एंगेजमेंट होती है, उसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। हॉस्पिटल में चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है कि एक डॉक्टर ने सफाई कर्मी से शादी की। मैडम भी सोचती हैं कि अब इस हॉस्पिटल से निकल जाना ही ठीक है। शहजादे से कहती हैं शहजादे चलो तुम्हारे लिए मैं मेडिकल स्टोर खुलवा देती हूँ शहजादे के लिए मेडिकल स्टोर खुलवा देती हैं मैडम। मेडिकल स्टोर चल पड़ता है,
उसके बाद दोनों लोग एक हॉस्पिटल डालने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मैडम एक डॉक्टर हैं, बहुत सुखी जीवन चलता है उन लोगों का। और ये कहानी पाकिस्तान की, आपके बगल मुल्क की है मित्रों, बहुत ट्रेंडिंग कहानी है। आप अयोध्या दर्पण चैनल को देखिए, इसी तरह मैं कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए, ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।